मटर बढ़िया वाली है बंदर है पाए बीन मटर गोभी आया गोभी आया मटर आया गोभी आया गोभी मटर बंदर है गोभी मटर बहुत बढ़िया भैया मटर बढ़िया वाली है बंदर है पाए बीन मटर गोभी देखो जी, एक होकर की ज़िंदगी आदमी मजदूर की तरह एक गधे की तरह होती है। एक तरह की रेड़ी है ना, लाद देती है अपने ऊपर वजन। अगर हम आज लगाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं लगाएंगे तो नहीं नहीं मिलेगा हमको शाम को दाल रोटी। वही हमारा होकर का मजदूरी है। ये शुरू से जब से हमने जैसे गाँव से शहर में आए थे, रोजी रोटी की तलाश में है, तो नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए हमने ये छोटा सा अपना धंधा शुरू कर लिया। पटरी वाले अगर नहीं रेडी पटरी पे माल बेचेंगे तो आवाम को फ़ायदा किसको होगा? जो बेचारा 100 का खाने वाला होगा, उसका 20 में का काम हो जाता है रेडी पटरी पे, कोई वो बड़े होटल पे थोड़ी जाएगा। जहाँ यहाँ 20 रुपये में रेडी पटरी पे काम हो जाता है, होटल में 150 रुपये में होता। गरीब आदमी रेडी पटरी वाला 150 रुपये कहाँ से कमा के लाएगा? रिक्शा वाला वो 20 रुपये 30 रुपये कमा, 100 रुपये कमाता, 50 रुपये खाना खा के सो जाता है। While doing this important service to the urban poor, support on the back end small farms, where the fruits and vegetables that street vendors are selling comes from small farms. तो जनता को, आम जनता को जरूरत है होकर के, क्योंकि ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये समाज का हिस्सा हैं। जो जॉब वाला जॉब पे जा रहा है, ये अपना होकरी कर रहा है। अगर कोई फल खत्म हो रहा है, वो कह देगा कल भाई ये जरूर ले आना, पपीता खत्म हो गया पपीता ले आना, नहीं मिल पा रहा। समाज कह रहा है कि होकर चाहिए, किसी भी कॉलोनी किसी भी एरिया किसी भी हाई फाई सोसाइटी में चले जाए, होकर की आवश्यकता ना हो तो होकर को बिल्कुल साफ कर दीजिए। और हमें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं, परेशानी हमें यही है हमें पक्की चीज़ बना के दी जाए। ये रोज़ रोज़ की मतलब दिक्कतें आती है ना, कभी पुलिस आ जाती है कभी कुछ आती है, जब कोई परेशान नहीं करती ना कोई दिक्कत करती, मगर हमें बुरा लगता है, कभी कभी सामान उठा के भागना ही पड़ जाता है हमें। एक रेड़ी वाला रास्ते में जा रहा है और कॉरपोरेशन वाले को दिख गया तो एक सरकारी डकैत बोलूँगा मैं उनको, और वो दिख गया और फल का रेड़ी लिया और सड़क पर बखेर दिया और वो रेड़ी को उठा के डाल लिया, वो क्या करेगा? उसकी स्थिति क्या होगी? फिर वो किसी से कर्जा लेगा, फिर वो वही सामान जुटाएगा, क्योंकि सरकार के पास रोजगार अगर देने का नहीं है तो रोजगार छीनने का भी राइट नहीं है। यानी मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ते लड़ते, मतलब मेरे से पहले भी लोगों ने लड़ा, करीब 20-30 साल मुझे भी लड़ते लड़ते हो गए कि एक कॉरपोरेशन का मुझे आई कार्ड मिल जाए, जो उसका किराया होगा मैं सरकार को दूंगा, मैं सरकार को दूंगा, सरकार का रेवेन्यू आएगा और मेरे को मेरा मान सम्मान मिल जाएगा। बस यही लड़ाई पूरी इंडिया के अंदर चल रहा है कि इसको, इसका अधिकार जो रोजगार का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको मांगना चाह रहे हैं। इन्होंने हमारे को डरना बंद करा दिया कि डरना नहीं आपको किसी से भी, आपको कोई राक्षस नहीं है। ACP से ACP तो है, वो भी इंसान है, तो इन्होंने हमारे को डरना बंद करा दिया। So this act has given a platform to each and every city of India to have that town vending committee, and this town vending committee will have representation from all stakeholders, even
those who have competing interest with street vendors like traders, like police. धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है, धीरे धीरे समझदार होते यार। जब से बाट कमेटी बनी है तो बाट कमेटी के लोग घूम घूम हर जगह समझा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जाते हैं साथ में उनको समझाते, धीरे धीरे एक समझदारी हो रही, सुधार हो रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा। आया गोभी, आया मर्डर, आया गोभी, आया मर्डर, बंदर है पास गोभी, मर्डर मर्डर बढ़िया वाली है, बंदर है पास भीन मर्डर, भीन मर्डर गोभी, आया गोभी, आया मर्डर, आया गोभी मर्डर, बंदर गोभी मर्डर, बहुत बढ़िया भैया, ओनली 150, ओनली 150, 150 रुपए टॉप से, 150 रुपए टॉप से, राजू बोला राजू।